हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपन का न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। सुबह की चाय की पहली चुस्की के साथ अभी फिलहाल मैं उठा और मैंने देखा MT125 इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, तो उसी के हिसाब से मैंने सोचा कि एक ऑनेस्ट रिव्यू अपन रिव्यू नहीं ऑनेस्ट ओपिनियन अपन दे दें कि यार MT125 किस तरीके से इंडियन मार्केट में सक्सेस होगी। और मुझे लगता है कि भाई जो MT125 आने वाली है और जिस तरीके से उसके फीचर्स रहेंगे और उसका लुक है, वो सभी M125 सेगमेंट बाइक को फ्लॉप कर देगी। मतलब यामाहा का मार्केट MT125 बहुत ज्यादा तरीके से खींच लेगी कि जो यंग लड़के होते हैं उनको MT बहुत ज्यादा पसंद आई है, जो MT15 है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है, लेकिन क्या है वो हाई प्राइस है इसीलिए ज्यादातर देखने को अपन को नहीं मिलती है। और समझ लो वो KTM ड्यूक 200 या RC 200 इतना ही लगभग पहुंच जाती है उसकी प्राइस भी, उससे थोड़ा कम है, लेकिन 2 लाख में बहुत ज्यादा, 1,80,000 एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो 125 आने वाली है, 125 में MT125 की जो प्राइस रखी गई है वो 1,20,000 एक्स शोरूम रखी गई है, और मुझे लगता है कि 1,40,000 के अंदर अंदर ये बाइक अपन को मिल जाएगी। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो MT15 के सेम हैं, मतलब जो फीचर्स MT15 हैं BS6 2021 में जो लॉन्च की थी उनने, तो सेम स्पेसिफिकेशंस वही हैं और जो फीचर्स हैं सेम वही हैं MT15 के जैसे। बस इसका इंजन जो है वो एक सिलेंडर के साथ 124 सीसी का आता है, तो इसका इंजन कम कर दिया गया है, और इसके जो लुक्स रखे गए हैं वो बहुत शानदार लुक्स हैं, MT15 के जैसे ही लुक्स हैं। और इसमें एक फीचर ऐड किया जो कि अपन को MT15 में नहीं मिलता, जो कि इसका फ्यूल टैंक है, वो शायद MT15 शायद क्या, मैं तो चलाता ही हूँ मुझे मालूम है, MT15 में 10 लीटर का फ्यूल टैंक आता था, इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक कर दिया गया है, मतलब 1 लीटर इसमें बढ़ा दिया गया है। इससे फायदा क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि MT15 का जो माइलेज है बहुत बेस्ट माइलेज है। मैं अभी रन कर रहा हूँ MT15, तो मुझे वो लगभग 45 के अबव माइलेज दे रही है, और ये 125 सेगमेंट की बाइक है जो ये मतलब 55 टू 60 के बीच में माइलेज जरूर दे देगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि MT15 परफॉर्मेंस भी बहुत गजब का देती है, और इसकी जो माइलेज है वो भी बहुत शानदार है, और इसकी जो सर्विस है वो भी बहुत शानदार है, मतलब लो बजट में इसकी सर्विस हो जाती है, और 125 तो ज़्यादा अपन को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसकी जो प्राइस है 140 के अंदर है, तो जो FZ लोग सोचेंगे कि FZ और बाकी बाइक्स भी 155 सीसी की बाइक्स 140 के बीच में आ जाती हैं, तो यार इसका जो परफॉर्मेंस होगा ना, जो 125 सीसी MT125 का जो परफॉर्मेंस होगा ना, वो बाकी 155 सीसी से अलग होगा, क्योंकि जो मेरी MT15 है वो 200 सीसी की जो बाइक है उनको पीछे छोड़ देती है परफॉर्मेंस में, पिकअप में भी और हर चीज़ में, माइलेज में भी यार। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस ऑड होगी, अलग होगी, ठीक है 125 सीसी के लिए, MT125 सीसी के लिए ये प्राइस बहुत बढ़िया है, मार्केट बना के रख देगी बाइक। बस दिक्कत यही है कि लॉन्च कब होगी, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से लॉन्च हो जाए, तोड़ के रख देगी मार्केट को पूरा, और मज़ा आ जाने वाला है। मतलब वही बाइक देखेंगी जो यहाँ पर FZ का लुक उतना अच्छा नहीं है MT के मुकाबले, लेकिन FZ बहुत पहले से है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। FZ भी यामाहा की है, और यामाहा के इंजन की बात ही अलग है, मतलब कुछ भी कहो इंजन में काम नहीं निकलता, बाकी चीज़ों में काम आ जाए लेकिन यामाहा के इंजन में काम नहीं निकला, अभी तक मैंने यामाहा के इंजन में काम नहीं करवाया। लास्ट में तो ये मैं यही बोलने वाला हूँ कि भाई यदि तुम वेट कर रहे हो MT125 का, तो वेट करते रहो, क्योंकि बहुत शानदार बाइक है, और मैं जो MT15 चला रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ 125 MT15 इसमें, मैं जो MT15 चला रहा हूँ तो भाई गजब की बाइक है। अभी तक मैंने उसका मतलब नेगेटिव पॉइंट्स हैं काफ़ी, लेकिन अभी तक मुझे परेशान करने वाले एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार बाइक होने वाली है MT125, तो इंतज़ार करना जायज़ है भाई, सब्र का फल मीठा होता है, तो भाई सब्र करते रहो, क्योंकि न्यू लुक के साथ
और एक यूनिक बाइक होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब लगता है कि हाँ कोई बाइक खरीदी है हमने। MT-15 लॉन्च होगी, जरूर होगी, क्योंकि सभी कंपनीज ने अपनी 125 सेगमेंट की बाइक लॉन्च कर दी है। बजाज ने कर दी है पल्सर, और KTM ड्यूक 125 तो यार ओवर प्राइस्ड है, तो कोई ले नहीं रहा है, तो उसका मार्केट तो वैसे ही डाउन हो जाएगा। और बहुत सारी 125 सेगमेंट में बाइक्स है, तो उनकी मतलब टक्कर के लिए कोई बाइक लानी जरूरी थी यामाहा को। तो यामाहा के पास पहले 125 सेगमेंट की बाइक नहीं थी, तो उन्होंने लॉन्च करने का सोचा। ओप गाइस, वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।